नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टेक चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको रैनकप डी सिरप के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस, कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, कृपया वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको रैनकप डी सिरप के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, रैनकप डी सिरप, इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 75 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और ये 100 ml की पैकिंग में आता है। इसके कंपनी की बात करें तो इसको रैनसन बायोकेयर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें डेक्सोमेथारफेन, हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफिनरामाइन मिलिएट और इसके अलावा फेनिलेफेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतरीन सिरप है सूखी खांसी को दूर करने के लिए। किसी को सूखी खांसी आ रही हो, गले में खराश हो या एलर्जी की प्रॉब्लम हो, एलर्जी के कारण नाक बह रहा हो, छींके आ रही हों या गले में खराश हो, तो इन सब समस्याओं को ठीक करने के लिए सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, रैनकप डी सिरप सूखी खांसी और एलर्जी की समस्या को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके डोज के बारे में, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, एक एडल्ट व्यक्ति सिरप को 10 ml दिन में 3 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं और अगर 5 साल के ऊपर बच्चा है तो उसको 5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें, तभी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्रेंड्स डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है। तो जैसा आपको डॉक्टर परामर्श करें उस हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। और आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इस सिरप के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस सिरप के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी होना, घबराहट होना, चक्कर आना और आलस आना, और इसके अलावा दस्त की समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी रैनकप डी सिरप के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे।